मोराबार थाने की पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से जेवरात, दो मोबाइल फोन और 2,250 रुपए नकदी बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना खोराबार नासिर हुसैन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सिक्टौर चौराहे से ग्राम जंगल अयोध्या प्रसाद की ओर जाने वाले मार्ग से हाईवे अंडरपास के नीचे से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि दोनों पकड़े गए अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे हैं। उन्होंने बताया कि यह पूर्व में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना खोराबार नासिर हुसैन के नेतृत्व में गठित टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना खोराबार नासिर हुसैन, उप निरीक्षक रविसेन यादव, उप निरीक्षक जयप्रकाश सिंह यादव, उप निरीक्षक पंकज सिंह, हेड कांस्टेबल संजय सिंह और कांस्टेबल नंदन शर्मा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, खोराबार में सारा स्टेट में कुछ दिन पहले एक चोरी की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें लोगों के मोबाइल, बैग, कुछ सामान गया हुआ था। इस संदर्भ में पुलिस लगातार काम कर रही थी। इसी संदर्भ में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो वहीं के आसपास के रहने वाले हैं। इनसे दोनों मोबाइल भी बरामद किया गया, बैग भी बरामद किया गया है। और इनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला एक दो चोरियाँ इन्होंने और भी कबूली हैं, उसका भी सामान जिसमें कुछ ज्वेलरी वगैरह भी है वो बरामद की गई है। इन दोनों चोरों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनको पुराना आपराधिक इतिहास भी है? आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन ये छुटपुट ऐसी घटनाएं इन्होंने की हैं, दो तीन घटनाएं पता चली हम लोगों को, और भी ट्रेस कर रहे हैं। यद्यपि ज़्यादा बड़ी घटना नहीं करते थे, इसीलिए लोग कई बार नहीं लिखाने की कोशिश किए, लेकिन इन्होंने यद्यपि घटनाएँ की हैं। तीन घटनाओं का खुलासा हुआ है आज और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये सिक्टौर के पास के ही रहने वाले हैं, गाँव के पास के रहने वाले हैं और 20-22 साल के युवा हैं। कोई विशेष कार्य ऐसा नहीं करते, घर पर रहते हैं, माता पिताजी जो काम करते हैं उससे सहयोग करते हैं।